एक बार देखिए, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव एंड सिक्स एंड सेवन एंड एट एंड नाइन एंड टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन वन। हाँ, जैसे ही हम यहाँ पे थर्टी मान के चलिए थर्टी हमने दे दिया, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसको माउथ टू माउथ कह देना है, रेस्पिरेशन देना है, क्योंकि उसकी क्या है लंग्स को एक्सपांड कर सके और उसके चेस्ट में हवा भर सके। तो इसमें क्या होता है कई बार के जो विक्टिम है अगर समझ लो उसको कोई बीमारी हो सकती है, हम डायरेक्ट मुंह नहीं डाल सकते ना, माउथ टू माउथ नहीं दे सकते, मुंह बैरियर भी हो सकता है। तो हमें ऐसा है कि रास्ते पे कोई गिर गया तो हम उसको डायरेक्ट दे नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है उसको क्या हो रहा है। तो इसलिए क्या करना है, आपके पास हैंकी होती है, रुमाल होता है, उसको मुंह पे रखना है और आप माउथ टू माउथ वो दे सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर उनकी पल्स प्रेजेंट नहीं होती है तो लगातार उसको सीपीआर देते रहना है। अगर इसके बाद अगर उनकी पल्स अगर प्रेजेंट होती है तो वो तुरंत हम उनको जैसे ईएमएस एम्बुलेंस आ जाएगी तो आप उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। लेकिन अभी इसके एक कहानी बताना चाहूँगा, हमारे एक दिनेश तिवारी करके हमारे एक ये थे कॉन्स्टेबल थे, वो हमको ट्रेनिंग दे रहे थे और उसी समय उनकी बच्ची एक बड़े टब में पानी के अंदर ड्रोन हो गई, मतलब वहीं पे छोटी बच्ची थी 2 साल की और उनकी उसकी मिसेज वो अपना काम कर रही थी, तो मिसेज चिल्लाने लगी, फोन कर दिया, मात्र एक 10 मिनट हुआ होगा जब वो यहाँ से गया, उसने जाके सीपीआर उसको पता था, उसने बच्ची को बचाया है, ये हमारे मतलब ओरिजिनल कहानी है, बच्ची को बचाया उन्होंने। और इसके और भी कहानी है, इंटर अपने 4 लड़के जो कॉलेज के हमारे साइड में कैंप के साइड में ज्यादा बड़ी डैम है उसमें ड्रोन के थे, उसमें से 3 को सीपीआर दे के हमने बचाया है। अगर कोई कह रहा है ना कि ये सारा झूठ है तो हमने हमारे पास इसके प्रूफ भी है क्योंकि हमने बचाया लोगों को सीपीआर दे के, उनके माता पिता और वो है ना मतलब पैर पकड़ रहे थे हमारे कि भाई आपने मतलब ड्रोन हुआ वो बचाया करके। और एक अभी देवू में पिछले साल 2021 में एक महिला ड्रोन हुई थी उसको बचाया गया है। तो सीपीआर बहुत कारगर है, अगर आपको लगता है ना कि किसी को मतलब कोई गिर गया तो एक बार अगर ऐसे किसी ऐसे की नौबत ना आए किसी के ऊपर, लेकिन हम कह रहे कि जाते थे किसी ने देख लिया तब की बात है, तो सीपीआर बहुत ही अच्छा यह है आप दे सकते हैं अगर बिना डरे आप। बस एक ही इसमें है, अगर समझ लीजिए जो विक्टिम है वो अगर गिरा है तो उसको कैसे हम रेस्क्यू ब्रीथ दें, रेस्क्यू ब्रीथ देने के लिए थोड़ा सा डरना नहीं है, अगर आपके पास हैंकी है उससे आप रेस्क्यू ब्रीथ दे सकते हैं। मैं सीपीआर का बहुत बड़ा लेक्चर में बहुत शॉर्ट बता रहा हूँ, इसमें से कई चीजें छूट रही होगी, 10-15 मिनट में बोला है करने के, ठीक है। जैसे मान के चलिए बच्चे का है तो बच्चे को हम क्या सीपीआर ऐसे जैसे बताया ऐसे दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना, क्योंकि उसकी पसली बहुत कमजोर होती है, ठीक है ना। तो उसको कैसे दिया जाएगा देख लीजिए, बच्चे का पोजिशन कैसे, पहले रिस्पॉन्स चेक करेंगे, और जो शिशु का इन्फेंट जो होता है वो 0 से लेकर 1 साल के बच्चे को बोलते हैं, तो उसको सीपीआर देने के लिए हम उसको हार्ड सरफेस के ऊपर अपना हैंड है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स चेक करेंगे, हे बेबी हे बेबी हे बेबी बेबी अनरिस्पॉन्सिव अलर्ट एएमएस, सेम उसी तरह एएमएस को एएमएस को अलर्ट करना है, मगर एएमएस को अलर्ट करने से पहले यहाँ पर क्या है एक सीपीआर का सिग्नल हमको दे देना है, क्योंकि बच्चे का क्या है हार्ट और लंग्स क्या है थोड़ा नाजुक होता है, तो उसके लिए हम हैंड का सीधा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे जो मिडल फिंगर और उसके बाद बाजू वाली फिंगर होती है इनके समान होता है, इसको क्या करेंगे हम पहले तो हार्ट का लोकेशन चेक करेंगे, क्योंकि हार्ट का होता है सेंटर ऑफ द चेस्ट, तो उसका जायफाइड प्रोसेस और जो इसका होता है नीचे वाला वहाँ पर स्टर्नम के बीच में हम 2 उंगली इस तरह से माउंट करेंगे और इस तरह से क्या है इसमें हम 30 चेस्ट कंप्रेशन और इसमें क्या है रेस्क्यू ब्रीथ की जगह हम पफ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि क्या है हम अगर रेस्क्यू ब्रीथ जोर से देंगे तो क्या होगा यहाँ पे ब्रैकेट पल्स होती है उसका ये ध्यान रखिएगा कि जो एडल्ट होता है उसकी कैरोटिड चेक करनी है और बच्चा होता है उसका क्या करना है ब्रैकेट पल्स चेक करनी है, क्योंकि उसकी जो पल्स वहाँ पे आपको इंडिकेट होगी, नहीं तो ऐसे यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है।
जैसे हमने दोनों हाथ पूछ करके इस पे बताया था कि आपको स्टर्नम के नीचे जाइगोट पोस्चर होता है, वहां पे प्रेस करना है, अपना राष्ट्र हैंड रख के प्रेस करना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है बच्चे के लिए, दो फिंगर्स बीच वाले, ठीक है। अभी सर ने बताया तो हमने सीखा सीपीआर के बारे में, थोड़ा शॉर्ट बताया था। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई पेशेंट ऐसा दिखता है जो अनरिस्पॉन्सिव है, अनरिस्पॉन्सिव मतलब कोई हरकत नहीं दे रहा है, उसका हमने अलर्टनेस चेक करने के बाद में, तो सबसे पहले हम सी वी चेक करते हैं, सर्कुलेशन फर्स्ट, एयरवे लास्ट में ब्रीथिंग। और अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिव है, मिलता है वो रिस्पॉन्स दे रहा है हमारे इसमें, तो हम उसका ए बी सी चेक करते हैं, एयरवे फर्स्ट, बाद में ब्रीथिंग, लास्ट सर्कुलेशन चेक करते हैं। तो हमने अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्कुलेशन चेक करते हैं। तो सर्कुलेशन में हमने पल्स देखा, ऑप्शन डे, तो पल्स ऑप्शन मतलब स्टार्ट से किया, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वाले इसमें चलते हैं, सीपीआर देखिए। आप अगर भविष्य में अगर ऐसे कोई होता है तो एक बार कोशिश कीजिए, उसकी जान बच जाएगी, 100% है ये, 99.99% है उसकी जान बचेगी, क्योंकि हमने किया है जो आपको बता रहे हैं। चलो नेक्स्ट बताते हैं, एक्सीडेंट वगैरह होते हैं रोड के ऊपर, एक्सीडेंट वगैरह होता है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, रस्ते पे जा रहे हैं एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, कई लोगों को तो खून देख ही चक्कर आ जाता है, गिर जाते हैं। तो लेकिन कोशिश करने पे अगला वाला बच सकता है, ये हमें याद मतलब थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा तो वो बच सकता है। इसके लिए क्या करना है, अगर हम कोई एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड रोकने की कितनी चार विधियां हैं, तो उसको कैसे ब्लड रोका जाए वही बताएंगे आप। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो एक होता है डायरेक्ट प्रेशर, अब ये कैसे चाकू वगैरह कट जाते हैं, तो आप हाथ रखते हैं इसके ऊपर, रखते हैं ना, तो चाकू कटने के बाद, हाथ रखने के बाद खून अगर नहीं रुक रहा, ठीक है ना, ठीक है, जब अगर खून नहीं रुक रहा तो हम क्या करते हैं, कोई बॉस पीस या कोई कपड़ा लेते हैं, हाथ में ऐसे पकड़ देते हैं, ठीक है। जैसे इसके हाथ में कुछ कटा है तो हम क्या करते हैं, सीधा ऐसे पकड़ लेते हैं, खून रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है नहीं रुक पाता, तो हम क्या करते हैं इसको ऐसे गॉज पीस रख के थोड़ा सा क्या करते हैं इसको एलिवेशन देते हैं, ठीक है। अगर ऐसे कोई विक्टिम है गिरा हुआ तो उसको क्या करना, खून रोकने के लिए पहले डायरेक्ट प्रेशर से अपने पास हैंकी हो, कोई कुछ भी हो, टी शर्ट हो, उसको क्या करना है पकड़ के रखना है, उसके बाद क्या करना है उसको एलिवेशन देना है, अगर नहीं रुकता तो एलिवेशन दीजिए, ठीक है। सबसे पहले जहां से ब्लड लॉस होता है तो ब्लड को रोकना जरूरी होता है, ब्लड को रोकना जरूरी होता है, तो घाव को ढकने के लिए, बाहरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, घाव को, अगर घाव गहरा है या किसी कोई चीज़ इस पर चिपकी हुई है तो पहले घाव को अंदर से बाहर की ओर साफ कर लेते हैं, और किसी प्रकार का मेडिकेशन का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ अस्पताल पूर्व उपचार करते हैं कि ब्लड रुक जाए, इससे जो व्यक्ति में वो लाइफ थ्रेटनिंग में ना जाए। और ब्लड लॉस रोकने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पहुँचने के बाद में जो गॉस पीस को क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट यहाँ पर जख्म के ऊपर, घाव के ऊपर रखते हैं, रखने के बाद में क्या है उसको दबाव, डायरेक्ट प्रेशर से अगर नहीं ब्लड रुकता है तो उसके बाद में हम करते हैं एलिवेशन, एलिवेशन मतलब हार्ट सरफेस से ऊपर, जिससे खून का बहाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में अगर ब्लड नहीं रुकता है तो उसके बाद में प्रेशर पॉइंट्स, जैसे अभी यहाँ पर लगा है तो यहाँ का प्रेशर पॉइंट कौन सा रहेगा, ब्रैकियल होगा, ब्रैकियल जो पल्स रहेगी वहाँ पर जो होगा वहाँ पर प्रेशर डालेंगे तो हम ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर ब्लड नहीं रुकता है तो लास्ट में होता है टॉर्निकेट, जो कि डॉक्टर इसमें करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, टॉर्निकेट में क्या होता है, यहाँ पर किसी प्रकार की रस्सी इसे बांध के इसको पूरा मतलब इसमें यहाँ पर क्या करते हैं, टाइट करके पूरा इसको करते हैं, इसके कारण क्या है, मतलब ज्यादा ही कटा हुआ है, अगर खून रुक ही नहीं रहा तो हम उसमें उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, कोई अपने पास ओटी है, कोई रस्सी है, उसको बांध के थोड़ा अपने पास रस्सी या ये अपना लकड़ी का टुकड़ा या पेन से इसको टाइट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कंटिन्यू रखना है उसको, इससे क्या होगा आगे के कोशों को तो रक्त नहीं पहुंचेगा और वो मतलब काटना पड़ सकता है। टॉर्निकेट सिर्फ हमको एक्सट्रीमिटीज में यूज करना है, क्योंकि टॉर्निकेट क्या एक्सट्रीमिटीज में जो हमारा आर्टरीज और कोई वेंस कटता है वहां पर करना है, यहाँ के लिए गले का कट गया तो वहाँ पे टॉर्निकेट कर दिया तो गलत है, इसलिए हमको टॉर्निकेट क्या करना है, जहाँ पे एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज हमारे हाथ आते हैं, अभी सबसे बड़ा अभी क्या है डिजास्टर के अंदर में फायर जो मैनमेड डिजास्टर में आता है
किसी शरारत के कारण, शॉर्ट्स के कारण, वो भी एक डिजास्टर है। बहुत से मतलब भारत के अंदर में बहुत से ऐसी घटनाएं हुई जिसके अंदर फायर के अंदर बहुत सारे मौतें हो रही हैं। तो उसका एक कारण है अवेयरनेस ना होना लोगों के बारे में। अभी साउथ दिल्ली के अंदर में एक होटल के अंदर आग लगा था, जहाँ पर उस होटल के अंदर में फॉरेन के लोग भी थे और हमारे इंडिया के 35 लोगों का अंदर मौत हुआ था। तो बाकी के लोग बच गए, मगर हमारे लोगों को क्यों उसके अंदर में जान गंवाना पड़ा, जानकारी के अभाव में कि फायर आग लगने के बाद में करना क्या है। आग से मौत कम होने से ज़्यादा मौत होती है धुएं से। धुआं अगर निकल कर लेगा तो ये होता है। तो एक बेसिक चीज़ होती है कि जब आग लगती है तो धुआं क्या होता है, ऊपर उठता है। तो धुआं क्या होता है, गर्म होता है और हवा से क्या होता है, वो हल्का होता है, तो ऊपर होता है। तो एक सिंपल टेक्निक है कि आप जमीन पकड़ के वहाँ से वेकट हो जाए। तो एक बेसिक टेक्निक होती है कि आप जमीन से नीचे लेट के 1.5-2 फीट के उसमें आप फोल्डिंग करके वहाँ से निकल जाइए। और दूसरी बात है, अगर आप किसी कमरे में बंधे तो आपने क्या करना है, धुएं को अंदर आने से रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करना है, सिंपल मेथड है, गीले तौलिया कपड़े जो कंबल ब्लैंकेट से होता है वो इसमें अगर पैक कर दीजिए, जिस कारण क्या है जो अंदर धुआं आ रहा है वो अपना सांस में नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है हेल्प के लिए पुकारे, वो तो नॉर्मल बात है हेल्प के लिए पुकारे कि अगर आप हेल्प मांगोगे फायर का जो नंबर है आपको उसको मिल जाएगा। अगर आपको लगा है कि किसी कमरे में आग लगा हुआ है आपको उस कमरे में किसी को बचाने जाना है या एंटर करना है, तो आप कैसे करोगे, दरवाजा सामने से खींचोगे, सही है। अगर उसमें दरवाजा सामने से कभी नहीं खींचना है, क्यों होता है, आग जलने के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती है। एक आग मतलब क्या है, केमिकल चेन रिएक्शन होता है। आग में क्या क्या होता है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, दूसरा उसके अंदर फ्यूल होता है, फ्यूल जलता है तभी तो आग लगता है, तीसरा होता है हीट। इन तीनों चीज़ों में से अगर उसको हम अलग कर देंगे एक को भी, तो हम आग पे काबू कर सकते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए कि आग जल रहा है और हमने उसे पान डाल दिया, तो हमने उसको क्या कर दिया, कूलिंग कर दिया, हमने अपने हीट को क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो क्या हो गया, कूलिंग हो गया। अगर हमने आपको हवा मिल रहा है, जो ऑक्सीजन मिल रहा है उसको रोक दिया, तो आग जलेगी नहीं जलेगी, उसको बोलते हैं हम स्मोथरिंग, मतलब दम घोटना। और तीसरा होता है कि अगर वो जो आग जल रही है उसके फ्यूल को ही हम निकाल दें वहाँ से, स्टार्वेशन कर दे, उसको भूख को ही मिटा दे, आपको अगर फ्यूल नहीं मिलेगा तो आग बढ़ेगा नहीं। ये 3 तत्व क्या है, उसको हम अलग करेंगे तो उसको एक फायर ट्रायंगल होता है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो कभी भी क्या होता है, आपको जैसे हवा मिलेगा तो क्या बोलते हैं, आग ज़्यादा भड़कता है। तो कभी भी दरवाजा सामने से नहीं खोलना है, क्योंकि तो जैसे दरवाजा सामने से खोलोगे उसको जैसे हवा मिलेगा तो क्या होगा, एक बहुत बड़ा ड्राउट बाहर आएगा और उसमें आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो कभी भी दरवाजा साइड में से खोलना है। दरवाजा चेक करने के लिए आपने देखना है कि हाथ को उल्टा लगाना है, क्योंकि हमारा रिएक्शन क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ते हम क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। अगर बाई चांस आपको देखना है कि बिजली तार में करंट है तो ऐसे नहीं पकड़ना है, पकड़ लोगे उसको, तो ऐसे चेक करना है, उल्टा चेक करोगे तो आप हाथ कैसे करोगे, आगे खींच जाओगे, तो उसके आपका एक बचाव हो जाएगा। तो आपने हैंडल को भी चेक करना है कि आपका जो वैसे हैंडल गर्म हुआ है तो उसको इस तरह चेक करना है, अगर नहीं होगा तो कोई कपड़े से या उसके हैंडल चेकना है। और साइड में रहने से क्या, जिससे दरवाजा खुलेगा हवा मिलेगा तो क्या होगा, ड्रॉप बाहर निकल जाएगा। खिड़कियों को क्या है, खुला रखना है, खिड़कियों को खुला रखना है कि जिसके कारण अंदर हवा आती रहे। और हम कुछ अभी आपको रेस्क्यू टेक्निक बताएंगे कि क्या होता है जब कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले क्या है, अगर हम उस जो घटना घट रही है, डिजास्टर हो रहा है, उसको हम अगर रोकने में सक्षम नहीं है तो हमको क्या है, उस जगह को स्थान को छोड़ देना है, उस स्थान को क्या हमने छोड़ देना है। तो इमरजेंसी मूव और नॉन इमरजेंसी मूव, बचपन में सभी ने देखा होगा, किया होगा, मगर बहुत आदमी को पता नहीं इसके बारे में कैसे होता है। तो हाँ, तो फायर का और बुझाने का एक तरीका होता है, फायर एक्सटिंग्विशर सबसे आसान तरीका होता है, हर जगह में अभी अवेलेबल होता है, बशर्ते हमारे घरों में छोड़ दें। एक्चुअली ये सभी ने देखा होगा फायर एक्सटिंग्विशर, लेकिन देखते हैं उसको वहां से चले जाते हैं, फायर लग आग लग गई ना, फिर देखते हैं उसको क्या करना है, उसको लेकिन देखते सभी है, आपने सभी ने देखा होगा इसके बारे में, कहीं भी आग लगे ना हमें पता है ये लगा है, लेकिन कोई जाके उसको खोल के नहीं करेगा, लेकिन पता नहीं ना हमको पहले क्या है, हमें अवेयरनेस नहीं है कि इसको खोलना कैसे है और उसको चलाना कैसे है। और बहुत बहुत बड़ी बात नहीं, कोई ऐसे टेक्निकल ये नहीं है इसमें, तो बहुत ही मतलब इसमें एक आता है, हम बोलते हैं उसको पास करके, ठीक है, पुल द पिन, एम द टारगेट ऑफ द स्वाइप द, तो ये अगर हमें पता हो जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं, इसमें इससे कोई इंजुरी भी नहीं होती है, ठीक है। हाँ प्लीज, यहाँ पर जितने लोग बैठे कितने किचन के अंदर में फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, किचन के अंदर, क्यों हमारी जान का कीमत कुछ नहीं, गाड़ी लेगा 10 लाख का उसमें रखेगा फायर एक्सटिंग्विशर। सर एक प्लीजन के लिए क्लैपिंग, उन्हें रखा हुआ है। तो हम हमारा जान का कीमत बहुत कम समझता, क्यों, हमारा किचन ऐसा चीज होता है जहाँ हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं वहाँ पे काम करती है, सबसे रिस्क वाला चीज़ वहाँ पे होता है, मसाले सारे हाईली फ्लेमेबल वहाँ पर होता है,
एलपीजी गैस वहाँ पर होता है, इलेक्ट्रिक स्टोव वहाँ पर होता है, कुकिंग ऑयल्स वहाँ पर होते हैं, कुकिंग फैट्स वहाँ पर होते हैं, सारा ए बी सी डी जितनी भी क्लास होती है सारा मटेरियल वहाँ पर होता है, फ्रिज भी वहाँ पर होता है नजदीक में। मतलब क्या है, सारा सामान एक जगह में होता है कि मतलब कोई घटना होती है तो आग को हम काबू नहीं कर सकते। आग एक अच्छा नौकर है, गुड सर्वेंट है, मगर बैड मालिक मतलब खराब मालिक है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसको कंट्रोल करने का एक तरीका है, तो प्राइमरी लेवल में जब आग लगती है ना उसी समय बुझा दो। तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अभी ये 900 का है तो आपके पास छोटे छोटे भी आगे रहते हैं, तो उसको क्या है प्राइमरी स्टेज पे हम बुझा लेंगे तो आग क्या है सेकंड स्टेज पे नहीं जाएगा, जिसके कारण सेकंड स्टेज में क्या होता है वो फैल जाता है। तो प्राइमरी स्टेज को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग बड़ा आग जल रहा है उसको बुझा रहा है, वो इसका फायदा नहीं है, ये सिर्फ प्राइमरी स्टेज के लिए होता है। तो उसको बुझाने का भी तरीका पता नहीं है, क्योंकि मैं एनएफसी नेशनल फायर कॉलेज के अंदर में गया था, तो वहाँ पर वहाँ जी इंस्ट्रक्ट करते, उन्होंने मुझे बात बताया कि एक व्यक्ति था जो 22 साल से फायर फाइटिंग का ड्यूटी कर रहा था और उसका ड्यूटी एक जगह में लगा हुआ था, तो ड्यूटी लगा हुआ था और तो उनका ड्यूटी वहां पर लगा हुआ था और वो वहां पर आग लग गया प्राइमरी स्टेज में, और उन्होंने क्या कर दिया फायर एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल नहीं कर पाए। पता क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों से इसको इस्तेमाल नहीं करने वाले, इसका प्रिपरेशन नहीं, उसका ट्रेनिंग नहीं था, वो भूल गया कि कैसे इसको यूज करते हो, पिन निकालना भूल गया बेसिक, और वो उस फायर की चपेट में आ गया। तो इसको यूज करने का तरीका होता है पास, सिंपल तरीका होता है पास। तो पास में रखने के लिए क्या, सबसे पहले पी से होता है पुल द पिन, यहाँ पे एक सेफ्टी पिन होता है, इसको सिर्फ खींचना है बस आपको। अब ये क्या है तैयार हो जाएगा यूज करने के लिए, पुल द पिन एक, उसके बाद में क्या है एम द नोजल बेस ऑफ द फायर। कभी भी क्या है आग बुझाने के लिए लैपटॉप पे नहीं मारना है हमने जो आग का बेस है जहाँ से आग निर्माण हो रही है, जहाँ फ्यूल जल रहा है, सीधा उसकी बेस पे पकड़ना है इस नोजल को। इस नोजल को क्या करना है उसकी बेस पे पकड़ना है। उसके बाद में यस से होता है स्क्वीज द हैंडल, ये जो हैंडल होता है पिन निकलने के बाद में हिला हो जाएगा, इसको स्क्वीज करना है। और उसके बाद में जब बेस पे हम मारने के बाद में इसके अंदर जो भी मटेरियल होता है, फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप के होते हैं, वाटर टाइप का होता है, फॉग टाइप का होता है, CO2 टाइप का होता है, उसके बाद में आपका ग्रीन एजेंट भी आ गया है और ड्राई पाउडर केमिकल पाउडर का भी आ गया। तो जो एजेंट होगा उसमें सीधा बेस पे मारना है और यस लास्ट वाला सिर्फ साइड टू साइड, मतलब हमने क्या करना है बेस को तो बुझाना है बुझाना है, साइड में कहीं और जला होगा तो उसको भी हमने क्या करना है बुझाना है। तो ये सिंपल एक मेथड है, पास करके फॉर्मूला है, इसके द्वारा हम आपको बुझा सकते हैं। अभी एक्चुअली हम पेमेक्स पावर प्रोग्राम वगैरह करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, डीडीमोस बैठे हैं यहाँ पे उनको पता है। तो एक्चुअली क्या करते हैं हम फायर का भी मतलब फायर का जो इक्विपमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम अवेयरनेस के लिए सबको बता देते हैं। इसमें क्या है महिलाओं को ज़्यादा बता देते हैं, क्योंकि गैस में अगर फायर लग जाती है ना तो महिला बहुत डर जाती है, वो वहीं पर छोड़ देती है, फिर भागने के चक्कर में फिर कहीं कपड़ों में लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं उनको एक सिंपल बेसिक मेथड बताते हैं, उसको हम फायर लगा के दिखा देते हैं कैसे है, उसको फिर मतलब कंबल लेना या कुछ भी लेना, उसको पूरा ऑक्सीजन जैसे बताया था मेजर ने अभी कि ऑक्सीजन उसको बंद करना है, उसको नहीं देना, फिर बाद में बंद कर सकते हैं, वहाँ पे फायर बंद हो जाएगा। तो ये हम फेमस प्रोग्राम वगैरह में ये ज़्यादातर चीज़ें दिखा रहे थे। जैसे अभी ये सिलेंडर दिखाई है आपको, जैसे वाटर ड्राई पाउडर फॉर्म CO2 और वेट केमिकल, ये कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है ABCDE, जैसे इलेक्ट्रिक वाला है तो सभी में आप ये कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन फायर के अंदर में पांच प्रकार क्लासिफाई किया है फायर के लिए। एक ये जो क्लास किया है वो होता है सॉलिड्स पे, मतलब जो भी आपके घर में लकड़ी गत्ता कागज कपड़ा ये सारा कैसे क्लासिफाई ए में किया हुआ है। बी में आपका आता है फ्लेमेबल लिक्विड्स, मतलब जो भी आपके जलने वाला डीजल केरोसिन पेट्रोल ये सारा इसमें आता है बी में आता है। सी में आता है आपका गैसेस, जिसमें LPG गैस आ गया, ब्यूटेन प्रोपेन जो भी है वो ज्वलनशील गैसेस इसमें सी में आता है। डी में आता है आपका मेटालिक, जो मतलब जो कंपनीज के अंदर में सोडियम होता है मेटल वाला, वो भी एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो डी में आता है। और लास्ट में आता है एफ, एफ मतलब उसके अंदर में किचन फैट्स, जो किचन के अंदर में जो भी आपके यूज करने वाला एडेबल ऑयल होगा, बटर होगा, या जो हाईली फ्लेमेबल मसाले चीनी शक्कर जो भी है वो उसमें आता है एफ के अंदर में। इलेक्ट्रिक आय जो मतलब क्लासिफिकेशन था इलेक्ट्रिक का, उसको खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो आग लगती है वो किसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि जब तक सप्लाई चल रहा है शॉर्ट सर्किट से आग हो गया, करंट फॉर्म बंद हो गया, उसके बाद में जो आग जलेगा वो किस में जलेगा, प्लास्टिक में जलेगा या फिर जो मटेरियल जलेगा उसमें जलेगा। तो इलेक्ट्रिक आग को एक क्लासीफाई नहीं किया है, वो किसी में भी कर सकती है, वो कारण बन सकता है किसी आग का, किसी भी क्लासिफिकेशन का वो कारण बन सकता है।
तो ये जो फायर एक्सटिंग्विशर बताया तो उसी तरह से यूज करना है, क्योंकि मान लीजिए इलेक्ट्रिक का आग लगा हुआ है और आप वाटर वाला यूज करोगे तो क्या होगा, तो उसमें भी क्या है, तो आप डायरेक्ट जब करंट चल रहा है आप उसमें वाटर वाला तो वहां पर ड्राई केमिकल पाउडर यूज कर सकते हो। तो उसमें जो डाटा प्लेट दिखाया था पिछले सर में दिखाया हुआ है, वो डाटा प्लेट को एक बार पढ़ लीजिए, उसमें लिखा होता है किसमें करना है यूज किसमें नहीं करना, तो उससे आप हादसे से बच सकते। बात करते हैं केमिकल बायोलॉजी बोला अगर बात करते हैं केमिकल सीनियरों में तो बहुत सारे केमिकल है, उनमें से अगर बात करेंगे तो उसको हमारे ऊपर जो असर होते हैं हम उसको फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर बात करते हैं तो कुछ असर होते हैं, उस तरह से हम उसके कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। बस अगर बात करते हैं नर्वस सिस्टम पे असर करने वाले जो भी है शरीर सोमा ताबून जैसे कुछ है कि जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तौर पर यूज हो सकते हैं, जैसे उनकी लड़ाई के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके अगर लक्षण के ऊपर हम उसका ट्रीटमेंट नज़दीकी हॉस्पिटल में अगर उस पर उसका होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो उसमें ब्लिस्टर एजेंट भी है, नर्व एजेंट है, इरिटेंट एजेंट है जो कि राइट कंट्रोल डील में अगर फौज में इस्तेमाल किया जाता है, साइकोकेमिकल है, डिफोरेंट एजेंट है, सिस्टमेटिक एजेंट है जो कि हम के ब्लड ब्लड पे हमारे असर करते हैं, जो ऑक्सीजन लेवल को डाउन करते हैं। उस तरह से अगर बात करते हैं ब्लड हाइड्रोजन साइनाइड साइनाइड क्लोराइड जैसे अगर ब्लड एजेंट है तो उनके ऊपर क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसकी तरह हॉस्पिटल को भी उसका जो भी ट्रीटमेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी इमरजेंसी आती है तो लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए और हॉस्पिटल स्टाफ को भी इसके संबंध में अवेयर होना जरूरी है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल डिजीज जैसे आप जेनेटिक बीमारियां बोल सकते हैं कि जो जानवर से हम में आती है वो बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है या फंगी से हो सकती है या टॉक्सिन से भी हो सकती है, उसके संबंध में भी जो क्या क्या बीमारी है उसकी कुछ हो सकता है कि उसके कुछ पहले से प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, हम प्रोफिलेक्सी ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी हॉस्पिटल स्टाफ को भी होनी चाहिए और लोगों को भी होनी चाहिए कि इसके ऊपर क्या उसकी ट्रीटमेंट है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन के जैसे अगर एक गाइडलाइन दी गई है कि किस व्यक्ति को रेडिएशन का कितनी मात्रा उसको मतलब होनी चाहिए कि उससे उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर बात करते हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए 1 मिलीसीवर्ट की एक डोज की मात्रा दी गई है, उससे ज़्यादा वो डोज न ले, उस तरह से उसको प्रिकॉशन लेना जरूरी है। ऐसे अगर बात करते हैं एक साल में एक व्यक्ति 20 मिलीसीवर्ट तक एक डोज मतलब एक रेस्क्यूअर हो या फैक्ट्री वर्कर हो 20 मिलीसीवर्ट तक वो डोज को ले सकता है, उससे अगर ज़्यादा हुए तो उसके साइड इफेक्ट उसके ऊपर आ सकते हैं। अगर 5 साल के लिए बोल सकते हैं तो 100 मिलीसीवर्ट है, उससे ज़्यादा वो डोज उसका 5 साल का नहीं होना चाहिए। एज अ रेस्क्यूअर 250 मिलीसीवर्ट तक ले सकता है एक नॉर्मली वर्क के टाइम पे अगर किसी को रेस्क्यू करना है, पर ज़्यादा ही लाइफ थ्रेटनिंग 500 मिलीसीवर्ट से ज़्यादा एक रेस्क्यूअर नहीं ले सकता, तो लाइफ टाइम उसमें वो काम नहीं करेगा। अगर बात करते हैं रेडिएशन की, रेडिएशन 2 प्रकार के होते हैं जैसे आपको पहले से पता होगा, एनर्जिक और नॉन एनर्जिक रेडिएशन। जो एनर्जिक रेडिएशन है उससे बचने के लिए हमें अगर बात करते हैं जो एक्सरे और गामा की बात करें तो क्या है हम उसे बच नहीं सकते, उससे टाइम डिस्टेंस रीडिंग से हम बच सकते हैं, जब कम से कम हम वहाँ समय बिताए, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रखें और एक शील्डिंग मटेरियल हो जैसे लीड वगैरह जैसे इस्तेमाल करते हैं या पेरिफेरल की दीवार हो उससे हम बच सकते हैं। पर बात करते हैं अल्फा और बीटा की, अगर बात करेंगे तो पार्टिकल के रूप में अगर इंटरनल कंटामिनेशन होता है तो मोर हज़ार्डस से वो हमारे लिए बॉडी के लिए, तो उसके लिए फिर क्या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम उसके बढ़ सकते हैं और उससे बचना मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पब्लिक को अवेयर किया जाए। अगर ऐसे अगर जो कहीं भी न्यूक्लियर पावर के जो पावर प्लांट के नज़दीक लोग रहते हैं उनमें आयोडीन टैबलेट का इस्तेमाल करना, उनको अवेयर करना, अगर कुछ ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी अगर रेडियोलॉजिकल कुछ इवेंट होता है या हॉस्पिटल में भी होता है लोग अवेयर नहीं होते, ऐसे पास्ट में बहुत इंसिडेंट हुए हैं कि जैसे मायापुर के सर ने पहले क्लास में बताया था कि ऐसे इवेंट हुए कि लोगों की इसके बारे में अवेयर नहीं है और उससे अगर मान लो कि इंटरनल कंटामिनेशन होता है उससे कैसे बचा सकता है, एक नॉर्मल पीपी या आप मास्क लेके भी उससे बचा सकते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल्स को आप नॉर्मली एक प्लास्टिक या तो हम कनिस्टर जैसे हमारे जो इक्विपमेंट में है कनिस्टर वगैरह है जो फिल्टर होते हैं उसके इस्तेमाल करके भी आप रोक सकते हैं, बट जो कि आयनाइजिंग रेडिएशन है जैसे एक्सरे और गामा को उसको हम टाइम डिस्टेंस रीडिंग से ही अलारा प्रिंसिपल से बच सकते हैं, तो ये पब्लिक को भी हमें अवेयर करना चाहिए। उस तरह से हॉस्पिटल में अगर ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट के साइड में कभी अगर इंसिडेंट होता है तो वहाँ के जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसको भी इस बारे में पहले से अवेयर होना चाहिए और हर जगह पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन से द्वारा ही एडवर्टाइजमेंट की वो वहाँ पे प्रैक्टिस करनी चाहिए लोगों को, वहाँ से
बाहर निकालने के अगर कुछ इंसिडेंट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी, तो बचने के जो भी उपाय होते हैं उसकी मॉक ड्रिल करनी चाहिए, प्लस हॉस्पिटल स्टाफ को भी उसमें शामिल होना चाहिए कि वहां के जो घटना होती है जैसे फुकुशिमा में हुआ था वैसे हो, या थ्री माइल आइलैंड में हो, या ऐसे जो पास इवेंट में अगर है चेर्नोबिल जैसे इंसिडेंट हुआ है कि जो फायर फाइटर थे वो उससे अवेयर नहीं थे और आग बुझाने के चक्कर में उस बहुत सारे उसमें आहत हुए थे, तो ऐसी चीजों से बचा जा सकता है कि लोगों को अवेयर किया जाए हर चीजों से। जैसे कि अभी फ्लड वगैरह का भी बारिश का मौसम चल रहा है, एमडी ने प्रेडिक्शन दिया है कि ज्यादा बारिश होने के, तो पिछले से शामली में शामली रहने वाला हूँ और वहाँ पे क्या हुआ था पिछले 2019 का जो फ्लड आया था उसमें जैसे एनिमल हस्बेंडरी वाले शाखा वाले भी हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कई लाइफ स्टॉक का डेड हुआ था क्योंकि रातों रात पानी में भर गया था और क्या हुआ था जहाँ वो जो पशु थे वहीं पे बंधे हुए थे और वहीं पे डेड हो गए, सुबह देखा तो वहीं पे डेड हुए थे। तो अभी जैसे अभी हमारे पास कई लोगों के अवेयरनेस नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास जैसे बोलते हैं कि प्रशासन के पास कई ऐसी चीज़ें हैं फ्लोटिंग डिवाइस है तो हमारे घर में भी रहते हैं जो इम्प्रोवाइज हम बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए अभी ये वाटर बॉटल है, ये वाटर बॉटल का हमने क्या कर रखा है इसको इम्प्रोवाइज मतलब अपने घर में बनाया है इसको, एक बॉटल जैसे होती है 2 से 3 किलो वेट तो कैरी कर सकती है, तो ऐसे बॉटलों का भी बना के हम अपना यूज कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं अगर फ्लड के दौरान। जैसे ये देख लीजिए ये अपने कैन है ना, ऑयल कैन खाली पड़े रहते हैं उसको भी